क्या आप भी दिल्ली में नया प्लॉट लिए हैं, नया अपार्टमेंट लिए हैं और आप चाहते हैं कि दिल्ली में बिजली के न्यू कनेक्शन ले, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि किस तरीके से जो है आप दिल्ली में बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो आज मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप दिल्ली में बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो है प्रोसेस जो है लगभग हर स्टेट में सेम ही है, लेकिन व्यवसाय जो है अलग अलग है। तो आपको जो है मैं आपको स्पेशली ये बताया हूँ कि किस तरीके से आप दिल्ली में बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए, बिना दुकान में जाए, बिना साइबर कैफ़े में जाए। अगर आप इस सिचुएशन में दुकान वाले के पास या साइबर कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पर आप जो है 300 रुपीज़ आपको चार्ज कर देता है और वो आपको देना पड़ता है, क्योंकि अभी के टाइम में आप बिजली के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो आप उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आप जो है कंप्यूटर को भी चार्ज नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको यह है कि आप जो है बिजली के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी के टाइम में हर इंसान के घर में, बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में बिजली होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिजली के लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, मैं आपको यही तरीका इस वीडियो में बताया हूँ कि किस तरीका से आप जो है दिल्ली में बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट भी आया हुआ था और उसमें पूछा जा रहा था कि सर दिल्ली में बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें, इस पर एक कम्प्लीट वीडियो बना के दिखाइए। तो मेरे पास जो है काफ़ी सारा कमेंट आ चुका है, इसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं ये बताया था कि आप किस तरीके से यूपी में बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसके बाद से ही मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आने लगा था मेरे हर वीडियो में, तो मैं सोचा कि चलिए मैं इस पर जो है एक कम्प्लीट वीडियो बना दूँ ताकि मेरे जो भी व्यूअर है और जो भी कमेंट किए हुए हैं उसको मेरे ये वीडियो से हेल्प हो जाए। तो ये वीडियो स्पेशली जो है मैं उन्हीं पर्सन के लिए बनाया हूँ। तो अगर आपको भी बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है तो ये वीडियो भी आपके लिए भी है। आप ये वीडियो देख के अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि किस तरीके से बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है ये देखने के लिए इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से जो है आप दिल्ली में बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली में नया कनेक्शन लेने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में टाइपिंग करना होगा BSESDelhi.com, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाएगा। दिल्ली में दो कंपनियां हैं जो बिजली प्रोवाइड करती है, जैसे यहां पर देख रहे हैं कि BSES राजधानी पावर लिमिटेड और दूसरा है BSES यमुना पावर लिमिटेड। तो ये दो कंपनियाँ हैं जो दिल्ली में बिजली प्रोवाइड करती है। आप जिस भी एरिया से है उसको आपको चूज कर लेना है। चूज करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट साइड में, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर जाइएगा, राइट साइड में यहाँ देख रहे हैं कि न्यू कनेक्शन, आपको इस पर ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अप्लाई ऑनलाइन न्यू कनेक्शन, आपको इस पर ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यू यूजर, इसके लिए आपको ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ पे आपको डिवीजन चूज कर लेना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है, यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ फर्स्ट नेम डालना है या मिडिल नेम, यहाँ लास्ट नेम, यहाँ पे यूजर नाम डाल देना है, ठीक है। पासवर्ड डालना है, पासवर्ड ध्यान रहे कि इसमें आपको स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, और पासवर्ड को दोबारा से कन्फर्म करके यहाँ सबमिट कर देना है। आप यहाँ पर अपना डिवीजन को चूज़ कर लेंगे, जो भी डिवीजन है। अगर इसमें आपका डिवीजन नहीं है तो इसके बाद आपको यमुना पावर लिमिटेड पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपना डिवीजन का नाम चूज करना होगा। इसके बाद सभी फॉर्म को फिलअप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट करना है।
इसके बाद यहाँ पे आप जो भी यूजर नाम जो चूज किए हैं वो आपको यहाँ डाल देना है। पासवर्ड आप जो भी चूज किए वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन हो के आ जाएगा। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट आपको इसमें से चूज कर लेना है जो न्यू कनेक्शन टैप। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको गो कर देना है। गो करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन हो के आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आपको सामने कुछ इस तरीके से ये पेज आ गया। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना, जो भी डिस्ट्रिक्ट से है तो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन टाइप आपका फॉर्म या इंडिविजुअल, चलिए मैं यहाँ पे इंडिविजुअल चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर टाइटल आपको चूज कर लेना है, जो भी टाइटल है जैसे मिसेज है, मिस है, जो भी है, तो आपको यहाँ से आपको बहुत आसानी से चूज कर लेना है। यहाँ फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम डालना है। यहाँ जेंडर चूज कर लेना है, मेल है, फीमेल है, जो भी है। यहाँ रिलेशन टाइप को आपको चूज कर लेना है, मतलब सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, तो यहाँ पर जो भी जिसका भी यहाँ पर नाम डाल रहे हैं उसका उसके साथ क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन में मतलब आप काम क्या करते हैं, जैसे हाउस वाइफ है, अदर है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर है, तो जो भी आप इसमें से सेलेक्ट करके ओके कर लेना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं डेट ऑफ एनिवर्सरी की, आपको ये मतलब कब आप कनेक्शन लेना चाहते हैं वो डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा, यहाँ पर लेना नंबर है तो डाल देना है। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर अगर कोई व्हाट्सअप नंबर है तो डाल के यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपना हाउस नंबर डालना है, यहाँ फ्लैट या बिल्डिंग नंबर, यहाँ स्ट्रेट, यहाँ कॉलोनी एरिया का नाम डाल देना है, यहाँ लैंडमार्क डाल देना है, लैंडमार्क जो भी है तो इसमें सब चूज करके डाल देना है। इसके बाद यहाँ लैंडमार्क डिटेल में कुछ आपको टाइपिंग कर देना है। यहाँ पर जो है आपके एरिया का पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका ऊपर वाला सप्लाई वाला एड्रेस देख रहे हैं जो कनेक्शन जिस पर लेना चाहते हैं वो एड्रेस, अगर आपका बिल्डिंग एड्रेस सेम है तो सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिएगा, तो जो भी ऊपर भरे रहिएगा वो ऑलरेडी आपका इसमें फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है एक ईमेल आईडी डाल के सिंपली यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको क्लास ऑफ परमिशन कैटेगरी चूज कर लेना है, एग्रीकल्चर, सीजी, ड्राफ्ट, जो भी है इसमें सब डोमेस्टिक वगैरह जो भी है इसमें उससे चूज कर लेना है। कनेक्शन टाइप आप कौन सा कनेक्शन लेना चाहते हैं, सो आप डी डी ए, सी जी, एच डी, जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी आपको चूज कर लेना है। कितने किलोवाट का आप कनेक्शन लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। यहाँ पे आप न्यू कनेक्शन लेना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग कनेक्शन लेना चाहते हैं, चलिए मैं यहाँ पे न्यू कनेक्शन लेना चाहता हूँ तो न्यू कनेक्शन पर ओके करूँगा। अब यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म को फिलअप कर लेना, जैसे आपको सर्ट एरिया का जो भी एरिया है वो आपको यहाँ से एरिया चूज कर लेना है। यहाँ टाइप ऑफ परमिशन कौन सा टाइप लेना, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कंपनी प्राइवेट या ओनर, तो यहाँ अदर जो भी है इसमें सबको चूज कर लेना है। यहाँ बिल्डिंग टाइप को यहाँ प्रीपेड पोस्ट पर जो भी चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको मीटर च्वाइस को चूज कर लेना, जो भी मीटर जैसे बी एस ई एस मीटर या एप्लीकेंट मीटर है। इसके बाद वोल्टेज मतलब टाइप कौन सा टाइप लेना चाहते हो उसमें से आपको चूज कर लेना है। या फिर जब को ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है, यहाँ पैन नंबर है तो डाल देना है। यहाँ पर आप न्यू कनेक्शन लेना चाहते हैं तो क्या पर्पज है, क्यों लेना चाहते हैं, तो इसमें कुछ टाइपिंग कर देना है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर देख रहे हैं कि वोल्टेज वोटर आई डी का नंबर है वो अगर आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ई एल सी एल, यहाँ से आपको यस और नो करके सिंपली आपको इसको चूज कर लेना है। यहाँ पे इसके बाद सिंपली आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि JPEG और JPG फाइल में फॉर्मेट में होना चाहिए। इसको चूज करके फाइल अपलोड करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव एस ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी ये आपका अपलोड हो पाएगा। चलिए हम यहाँ सेव एस ड्रॉप पे ओके कर लेते हैं। ओके करते ही यहाँ देख रहे हैं कि डाटा सक्सेसफुल्ली ये हो चुका है, सिंपली उसको हम कट करेंगे। इसके बाद हम जहाँ भी फाइल है चूज करेंगे, तो जहाँ भी फोटो है फोटो को ओके करके यहाँ ओपन करेंगे, यहाँ देखिए आ चुका है। चलिए मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरा अपलोड हो चुका है। सिंपली इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के यहाँ पे चूज करने के बाद सिंपली यहाँ पर अपलोड कर देना है, तो आपका यहाँ भी अपलोड दिखे हो चुका है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपको ढेर सारा ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आइडेंटिटी प्रूफ है, तो आपको PDF फॉर्मेट में आपको आइडेंटिटी प्रूफ इसमें अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें देखने का आधार कार्ड आपको देना है, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो देना है, इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड है तो वो देना है, पासपोर्ट है तो वो देना है, इसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड है तो वो देना है, तो या राशन कार्ड है तो वो देना है। अपलोड करने से पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको पहले सेव एस ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी यह अपलोड हो पाएगा। चलिए मैं इसको सेव एस ड्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए मेरा ऑलरेडी डाटा सेव हो चुका है, मैं इसको कट करता हूँ। अब यहाँ से चलिए मैं अपना आधार कार्ड चूज कर लेता हूँ। जहाँ भी है आपका
आधार कार्ड को चूज कर ओपन कर लेना है, इसका यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये देखिए ऑलरेडी मैं सर्चिंग हो चुका है, यहाँ पर अपलोड भी हो चुका है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अंडर ओनरशिप प्रूफ में आपको यहाँ पे सब डिविजन का एग्रीमेंट वो डालना है, या अलॉटमेंट लेटर है वो डालना है, या देख रहे हैं कि राशन कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यहाँ वैलिड लीज एग्रीमेंट है तो वो डालना है, यहाँ रेंट एग्रीमेंट है, अंडरटेकिंग का प्रूफ है वो डालना है, इसको यहाँ देखिए म्यूचुअल सर्टिफिकेट है तो वो डालना है, गवर्नमेंट टूडे का है तो वो डाल देना है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है तो वो डाल देना है, यहाँ क्रिप्ट कॉपी एंड रजिस्टर गवर्नमेंट्स डेट है तो वो डाल देना है, यहाँ सर्टिफाइड कॉपी टिट डेट है तो वो डाल देना है। तो इसमें से आपको कोई भी एक चूज करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको मैं ओपन करके यहाँ पर डाल दिया हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट में आपको इसमें से एक चूज कर लेना है। तो यहाँ पे फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट है तो वो डाल देना है, नॉन ऑब्जेक्टिंग सर्टिफिकेट है वो डाल देना है, इसके बाद यहाँ क्लियरेंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है, अदर डॉक्यूमेंट में है कोई तो वो डाल देना है, टेक्स्ट है तो वो डाल देना है, यहाँ से टेक्स्ट रिपोर्ट है तो वो डाल देना। तो इसमें से आपको कोई भी एक इसमें आपको चूज करके डाल देना। चलिए यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैं अपलोड कर देता हूँ। चूज करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो ये देखिए ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, इसको आपको रीड कर देना है। मुझे पता है कि इसको रीड तो करना नहीं है, चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको रीड करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन देना है कि मैंने रीड कर लिया हूँ, इसके बाद यहाँ सिंपली आपको यहाँ सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी, इस स्लिप को आपको प्रिंट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट के लिए यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है, चलिए मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट करने के बाद मैं अपने डेस्कटॉप पर इसको प्रिंट करके रख लेता हूँ। तो आपको ये प्रिंट लेके इसको ऑफिस जाना होगा, जिसका एड्रेस यहाँ पे आप देख रहे हैं BSEB भवन नेहरू प्लस न्यू दिल्ली। तो आपको इस एड्रेस पे जाना होगा, वहाँ जाने के बाद आपको फीस पे करनी होगी और आपका न्यू कनेक्शन अप्रूव हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी स्टेट में बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, इसी तरह मेरे चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि मैं इस तरीका का वीडियो मैं हमेशा आपके लिए न्यू वीडियो अपलोड करते रहता हूँ और आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो आपसे सजेस्ट करता हूँ कि आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से आप दिल्ली में बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए, बिना साइबर कैफे में जाए, बिना दुकान में जाए। तो आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से बहुत ही ईजी तरीके से आप दिल्ली में बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।